हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, आज हमारा पेपर का जो सॉल्यूशन वीडियो है उसका पार्ट नंबर 2 है। मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज पार्ट नंबर 2 में बाकी के 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सर 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 जिंदल सर, आप तो कह रहे थे कि मैं आपको अगले संडे दूंगा, आपने तो वीडियोज आज ही डाल दिए। तो मेरी प्लानिंग तो बेटे यही थी, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं इंटर की और फाइनल के न्यू कोर्स की, तो टाइम बचता नहीं है। तो आज मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सेक्रीफाइस कर दी। मैंने बोला बच्चे कहाँ एक हफ़्ता वेट करेंगे, तो आज ही रिकॉर्ड करके आज ही डाल देता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 मैं आपको दे चुका हूँ, वो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। पार्ट नंबर 2 मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी आज रिकॉर्डिंग शेड्यूल्ड थी, तो मैंने बोला टीम को कि भैया इसको मेरे को निपटाने दो, रिकॉर्डिंग कल करेंगे हम। तो क्लास की जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग है वो फिर मैं कल से शुरू करूँगा, आज इसको निपटाऊँगा। फटाफट से आओ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। और इसमें बेटे जो क्वेश्चन नंबर 4A है, ये पूछा गया कंपनी फाइनल अकाउंट्स में से, ये पूछा गया कंपनी फाइनल अकाउंट्स में से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, P&L का फॉर्मेट बनाना है, शेड्यूल 3 का। हर RTP में दिया हुआ क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया। RTP के जो वीडियोस हैं आज भी मेरी वेबसाइट के ऊपर फ्री में अपलोडेड है, कोई भी देख सकता है। और उसमें हमेशा मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हुआ है हर RTP का, ताकि बच्चों की फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो जाए। और क्लास में तो क्वेश्चन हमने किए ही हुए हैं जो हमारा मेन कोर्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आया इसमें 4A 10 मार्क्स के लिए, ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का P&L बनाना है और 10 नंबर के लिए। बच्चे को कम से कम 5-10 मिनट तो फॉर्मेट बनाने में लग जाते हैं, नोट्स की रेफरेंस देने में लग जाते हैं, फिर क्वेश्चन भी पढ़ना है उसने, ट्रायल बैलेंस के हर आइटम को एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मैच भी करना है। तो टाइम के हिसाब से 10 नंबर बहुत कम है, कम से कम ये 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, मेन क्वेश्चंस में आता है जी। और ऐसे ही क्वेश्चन जनवरी 21 में भी आके गए, तो मैं आपको करा नहीं रहा। इसके लिए आप क्लास बुक रेफ़र कर लो बेटे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, हाँ। और जो 25 है ये जनवरी 21 के पेपर में भी आके गए हैं, मोर और लेस सिमिलर पॉइंट्स थे सारे। और एक बात और है, जब आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है ना बेटे, जब आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। डेबिट दो ही चीज़ों के होते हैं, एसेट्स के और एक्सपेंसेस के, क्रेडिट दो ही चीज़ों के होते हैं, लायबिलिटीज़ के और इनकम्स के। तो डिफरेंशिएट करके आपने अलग अलग जगह पे प्लेस करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना है, बात ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 25 क्लास बुक से आप रेफ़र कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है जी हमारा। हमें क्वेश्चन नंबर 4B में जाना चाहिए, ये तो बेटे क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 4B पे आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 4B आया ना बेटे 10 मार्क्स के लिए, ये आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में से, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये मैं आपको टैली करा देता हूँ। वैसे तो कैश फ्लो का ओपनिंग क्लोजिंग अगर आपका पेपर में टैली हो गया होगा तो क्वेश्चन ठीक होगा, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आया होगा, और इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको आता नहीं है। हमने जिस लेवल के क्वेश्चन क्लास में किए हैं कैश फ्लो के, उसके सामने तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मैंने तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 कराया था क्लास में, जो इतना खतरनाक था। फिर हमने बैलेंस शीट P&L से डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है, खाते बना बना के डायरेक्ट मेथड की इन्फॉर्मेशन। हमने जिस लेवल पे कैश फ्लो पढ़ी उस लेवल के अकॉर्डिंग तो ये बेसिक क्वेश्चन था। मैं आपको 5 मिनट में टैली करा देता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। फॉर्मेट वगैरह मैं नहीं बना रहा, वो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बोला था, क्योंकि मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, चमका चमका के लिखते हैं हम क्लास में।
जो प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे दूंगा बिल्कुल रफ प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं करवा नहीं रहा आपको। मैंने बनाई जी कैश फ्लो, मैंने बनाई कैश फ्लो, 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 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या हम क्लास में ऐसे करते हैं? नहीं, ये जो रफ फॉर्मेट मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ आपका टाइम बचाने के लिए कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फटाफट से मैं आपको टैली करा देता हूँ। क्वेश्चन, क्वेश्चन में सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन निपटाएंगे हम, ये फर्स्ट पॉइंट है। 1 अप्रैल 2022 साल के पहले दिन वन ऑफ द व्हीकल वाज सोल्ड फॉर 3000, नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। किस चीज़ की बात हो रही है? व्हीकल्स की। अच्छा, व्हीकल्स की बात हो रही है तो फर्स्ट वर्किंग नोट। कैश फ्लो में हमारा तो यही मुद्दा होता था, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सारे खाते बना लेते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हिडन वाली, बाकी बैलेंस शीट के ओपनिंग क्लोजिंग से हम बना लेते हैं। मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ ये हमारा प्रेजेंटेशन नहीं है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है इस बात का, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं है और वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सिर्फ डिस्कशन के हिसाब से देखें, अपने मेरे बारे में कोई धारणा मत। अरे सर ऐसे कराते हैं? मैं ऐसे नहीं कराता, ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए बस। ये रहा जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है? 28, और क्लोजिंग कितना है? 22। ओपनिंग बैलेंस है 28, क्लोजिंग बैलेंस है 22। मैंने टू बैलेंस बाय बैलेंस नहीं लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग सिंपल भाषा में लिख दिए। बताओ जी इसमें डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन है जी 2200 रुपये का, डेप्रिसिएशन है 2200 का। और सेल कितने की है बाय बैंक? कितने का बेचा? 3000 का हमने लगाया टोटल, तो ये पी एंड एल आ जाएगा लॉस ऑन सेल, पक्का आ जाएगा लॉस ऑन सेल। 2200 प्लस 3000 प्लस 22000 माइनस 28, 800 रुपये का लॉस हो गया जी। अब इस अकाउंट में से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी क्या करना है, ये जो लॉस है ये नॉन कैश है, ऐड बैक करेंगे, सेल को इन्वेस्टिंग में लेके जाएंगे, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, ऐड बैक करेंगे। यहाँ से तीन इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपने, आपको कैश फ्लो में लिखना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टिंग में लिखो सेल ऑफ एसेट्स 3000 रुपये हैं, फिर आपको ऑपरेटिंग में लिखना चाहिए। ऑपरेटिंग में क्या लिखेंगे? चेंजेस इन पी एंड एल, चेंजेस इन जी आर, डिविडेंड्स करंट ईयर के, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का, फिर हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एक हेडिंग बनाते हैं नॉन कैश आइटम्स की, वहाँ पे लिखते हैं हम इसको 800। डेप्रिसिएशन ऑन, कितने का डेप्रिसिएशन है जी? 2200 रुपये का। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी लिखते जाएंगे, ऐसे ही तो करते थे, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन रफ कर दिया मैंने आपका। क्वेश्चन में वापस आओ जी, सेकंड पॉइंट में, अ पार्ट ऑफ द टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 125 कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख की लैंड को 125 में बेचा, 25000 का प्रॉफिट हो गया, वो सारी बात ठीक है। एंड दी बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, ये पॉइंट हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 में किया हुआ है, बाकी की लैंड को इन्होंने रीवैल्यू कर लिया। फिर क्वेश्चन हमें कहता है कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द बैलेंस लैंड, इन्होंने प्रॉफिट ऑन सेल को कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाला, तो इसका मतलब प्रॉफिट ऑन सेल फिर कहाँ गया होगा? पी एंड एल में। नो न्यू परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको लैंड अकाउंट बनाना चाहिए, मैं बना के देता हूँ जी, ये लो सेकेंड वर्किंग नोट, हमने बनाया जी लैंड अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग।
रफ लिखना हो तो कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। बताओ जी लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? 6,05,75, 6,00,575, बाय बैंक ये तो सोल्ड है। प्रॉफिट कितना है? 25,000 का हमने लगाया टोटल, 6 और 1 7, ये भी आ गया 7, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 75, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। पक्की बात है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व 75,000 आपको मिलेगा। और मैंने क्लास में बताया था कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी आपके P&L से नहीं आते, इसकी रीजनिंग हमेशा आपको दे रखी होगी। तो अगर हम देखें बैलेंस शीट, पक्का कैपिटल रिजर्व मिलेगा आपको। ये राजी कैपिटल रिजर्व 75,000 का मिल गया ना, इसका मतलब ये रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं आता, इसकी रीजनिंग आपको दे रखी होती है। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग में लिखना चाहिए बेटे, आपको इन्वेस्टिंग में लिखना चाहिए सेल ऑफ लैंड 125। और एक चीज़ आपको और पता है, अगर लैंड को बेचने का जो प्रॉफिट है 25,000 वो भी कैपिटल रिजर्व में जाता तो फिर हम यहाँ से लेस नहीं कर रहे होते। यहाँ से लेस वो चीज़ें करते हैं जो नेट प्रॉफिट में होती हैं आपकी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 25,000 रुपीज़ लेस कर दिए हमने। लैंड अकाउंट टैली हो गया, क्वेश्चन में वापसी करो बेटे। डेप्रिसिएशन बताओ किस चीज़ का बताया जा रहा है? फर्नीचर्स का। कितना? 5,000 फर्नीचर, ये राजी फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं आपको, डेप्रिसिएशन दे रखा है, फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चवालीस अड़तालीस वर्किंग नोट 3 बनाया हमने, हमने बनाया जी फर्नीचर अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस है 44, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 48, यही है ना। बिल्कुल ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000 टोटल लगाओ इसका, 53, 9,000 की परचेज आ जाएगी। और तो कोई रीज़न ही नहीं है, 5,000 का डेप्रिसिएशन है, 9,000 की परचेज है। इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 और परचेज लिखेंगे 9,000। सिंपल काम है जी, और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में वापसी करो। इंटरिम डिविडेंड बता रहे हैं जी 5,000 रुपये का है। इंटरिम का मतलब करंट ईयर में प्रपोज हुआ, करंट ईयर में पे हुआ, ऊपर ऐड होगा नीचे लेस होगा। प्रपोज डिविडेंड होता तो पिछले साल का पेड होता, करंट ईयर का ऊपर ऐड होता। अगर ये इंटरिम है तो दोनों जगह सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं तो सिर्फ लिखने वालों में से हूँ। अब ये लो जी इंटरिम डिविडेंड 5,000 रुपये का यहाँ ऐड कर दिया और फाइनेंसिंग में लेस कर दिया। अब कोई बच्चा बोले जी इंटरिम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, जय श्री राम बोलना चाहिए उसको, सारे फंडे करा रखे हैं क्लास के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बता रहे हैं जी 16,000 रुपये है। ये राजी टैक्सेशन अकाउंट, ओपनिंग कितना है 11, क्लोजिंग कितना है 18। PFT अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 11, 18, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। P&L से कितना आया है 16, तो पेमेंट कितनी होगी आप बता दो, 9,000 रुपये। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स 16,000 रुपये ऐड बैक हो जाएगा, 9,000 रुपये का टैक्स पेड लेस कर देंगे। मैंने यहाँ लिखा प्रोविज़न फॉर टैक्स 16,000 रुपये, लो जी करंट ईयर का ऐड करते हैं और टैक्स पेड यहाँ से लेस कर लेंगे। वर्किंग नोट की रेफरेंस देना हम भूलते नहीं हैं, वर्किंग नोट की जो रेफरेंस होती है वो हम कभी नहीं भूलते।
वर्किंग नोट की रेफरेंस देना हम कभी नहीं भूलते। टैक्स पेड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, क्वेश्चन में वापसी करो। 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर। एक तो डिबेंचर्स की रिडम्पशन किया आपने, फाइनेंसिंग में चली जाएगी, हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी दिया है। इंटरेस्ट ऊपर ऐड करते हैं, नीचे लेस करते हैं। तो पहले तो बैलेंस शीट में जाके मुझे ये बताओ डिबेंचर्स कितने के हैं। मैंने जब डिबेंचर्स चेक किए तो डिबेंचर्स हैं 3 लाख के। 3 लाख का 8% एक साल में बनता है 24,000, हाफ ईयर का 12,000। मैं तो सर कुछ कर ही नहीं रहा, क्वेश्चन अपने आप ही चल रहा है। मैंने लिखा फाइनेंसिंग में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख रुपए। फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 रुपए। 3 लाख का 8% हाफ ईयर का, और ब्याज अगर नीचे लेस कर रहे हैं तो ऊपर ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट पेड 12,000 रुपये। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? पॉइंट पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 10-10 नंबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़ा सा काम इन्होंने गलत किया है। जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट का इतना लेंथी क्वेश्चन 10 नंबर में। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी, ये हो गया, ये हमारा 6th पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट पे बेचा गया 8,000। मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 1,10,000 के थे, 60,000 के रह गए। इसका मतलब मैंने 50,000 के बेच दिए होंगे, 50 के 58 मिले होंगे, तभी तो 8 का प्रॉफिट आया होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 58। 50,000 के 58 मिले होंगे, तभी तो 8,000 का प्रॉफिट आया होगा। प्रॉफिट को यहाँ से लेस करना चाहिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये लेस, लॉस को ऐड करते हैं, प्रॉफिट को लेस करते हैं। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई काम का, कुछ मिला ही नहीं मेरे को। एक इंटरेस्ट इनकम बता रहे हैं जी कितने की, 6,500 की। इनकम जाती है इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग से लेस हो जाती है क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। ये इंटरेस्ट इनकम 6,500 रुपये यहाँ से लेस करो, इन्वेस्टिंग में ऐड करो। इंटरेस्ट इनकम 6,500 रुपये यहाँ ऐड कर देते हैं। बेटे मैं जो क्वेश्चन में रुकूं तो कैसे रुकूं मुझे बताओ, क्या कोई एक ऐसा पॉइंट मिला जो टेंशन देने वाला हो? मैंने 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए, 4th क्वेश्चन अभी करा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? पेपर लेंथी था लेकिन मेरे को फीडबैक वो मिला नहीं जो मेरे को मिलना चाहिए था कि सर पेपर आता था। सारे बच्चों का एक ही फीडबैक, सर लेंथी था, लेंथी था सर। कुछ बच्चों ने बोला सर टफ था, टफ था। ये टफ है बेटे? अगर ये टफ है तो कैसे चलेगा काम मुझे बताओ। लेंथी था वो एक्सेप्टेबल है, वो तो मैंने आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता ही दिया कि पेपर बहुत लेंथी था जी। टफ नहीं मानता मैं ना, ये तो गलत बात है फिर बच्चे की। ये तो हो गया जी सारा क्वेश्चन, हो गए जी सारे पॉइंट। आओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ। गुडविल 28,000 की गुडविल 15,000 कैसे रह गई? 28 की गुडविल 15 राइट ऑफ की होगी। लिखो यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 13,000। नॉन कैश है तो ऐड बैक करेंगे। सॉरी ₹13,000 डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और ऐड बैक करते हैं। क्वेश्चन में वापसी करो जरा। ऑफिस इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस है नील, क्लोजिंग है 21, तो परचेज किया होगा। तो लो जी यहाँ लिखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 21,000 रुपीज लेस, परचेज किया तो लेस। अच्छा जी, उसके बाद ये तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा, स्टॉक है
8,000 रुपये माइनस करेंगे क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल हैं 3,500, 3,650 के, ये भी लेस होंगे। ट्रेड रिसीवेबल हैं ये 6,000 रुपये के ऐड होंगे क्योंकि कम हो रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें आप ट्रांसफ़र करो यहाँ से, स्टॉक, बीआर और डेटर्स। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, स्टॉक, बीआर, डेटर्स 8,000 रुपये, 3,650 रुपये, 6,000। करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो माइनस कर लेते हैं, कम होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। सारी रीजनिंग आपको बताई हुई है। डेटर्स बढ़ने का मतलब कलेक्शन कम होगा, डेटर्स कम होने का मतलब कलेक्शन बढ़ गया होगा। ठीक है जी, चलो अगले पेज पे आते हैं। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, 5,00,000 की कैपिटल 680 कैसी हो गई? 5,00,000 की कैपिटल 680 इशू की होगी इन्होंने। लिखो फाइनेंसिंग में, लिखो जी फाइनेंसिंग में इशू ऑफ कैपिटल 180 आपको ऐड करना चाहिए। 180 हो गया ऐड। क्वेश्चन में वापसी करो। जनरल रिजर्व बताओ कितना चेंज आ गया, 30,000 का, यहाँ पे कितना आ गया, 41,000 का। जीआर के सामने लिखो 30,000, यहाँ लिखो 41,000। प्रॉफिट कितना आ गया, 76,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। 76,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में वापसी करो। पी एंड एल भी हो गया, ये भी। लोन 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 15,000 का लोन था, नील कैसे हो गया? आपने पेमेंट की होगी, पेमेंट ऑफ लोन 15,000 है, पेमेंट ऑफ लोन 15,000 है। नीचे लिखो 15,000 का लोन आपका कहाँ गया, आपने पेमेंट की होगी। ऐसा कोई पॉइंट जो हमने ना किया हो? मैं तो लिखे जा रहा हूँ, समझाने लायक कुछ है ही नहीं मेरे पास। इतनी तो प्रैक्टिस कराई थी कैश फ्लो की हमने, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है क्लास के अंदर। हायर परचेज के इंस्टॉलमेंट, फॉरेन करेंसी की एडजस्टमेंट, कैसे कैसे पॉइंट्स हमने पढ़े। ये पेपर में क्या आया हुआ है देख लो। अब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ना कोई कैश इक्वलेंट है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। इसके बाद ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट आ गया। बिल्स पेबल कम हो रहे हैं तो 2,000 माइनस हो जाएंगे, 4,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, और आउटस्टैंडिंग में 1,500 रुपये प्लस हो जाएंगे, 1,500 रुपये प्लस। लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो प्लस कर लेते हैं, कम होती हैं तो माइनस कर लेते हैं, तो 2,000, 4,000, 1,500। ये क्या चीज़ है? बिल्स पेबल, ये क्रेडिटर्स और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना चाहिए और वो इस क्वेश्चन में दे रखा आपको। इन्होंने आपको क्रेडिटर्स बताए हैं इक्विपमेंट्स के 10,500। हमने माना था कि इक्विपमेंट्स की परचेज 21,000 है, हमने ये माना था कि इक्विपमेंट्स की परचेज 21,000 है। हमने इन्वेस्टिंग में लिख दिया था परचेज ऑफ इक्विपमेंट 21,000, लेकिन अभी पता लगा 10,500 की तो पेमेंट पेंडिंग है। कैश फ्लो इज़ दी समरी ऑफ कैश एंड बैंक, तो पेमेंट 10,500 ही गई होगी। तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, हाँ ये रहा परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये रहा, ये 10,500 लिखना चाहिए यहाँ पे। नो डाउट आपने 21 का खरीदा है पर 10,500 की पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो 10,500 ही दिए होंगे, वो लिख दिया हमने। सारा क्वेश्चन टनाटन टनाटन हो गया, और क्या रह गया, सब कुछ हो गया जी। टोटल मारने वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, है क्या इसमें? लो आओ मैं आपको टोटल मार के देता हूँ इसमें। 76,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 800,
76,000, 16,000 प्लस 800 प्लस 2200 माइनस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 माइनस 8,000 माइनस 6,500 फिर प्लस 13,000 माइनस 8,000 माइनस 3,650 प्लस 6,000 माइनस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 माइनस 9,000 तो ये आ जाएगा 74,350 यहाँ आ जाओ 3,000 प्लस 125 प्लस 58 प्लस 65 माइनस 9,000 माइनस 10,000 173,000 पॉजिटिव यहाँ आ जाओ 5,000 33,00,000 12,000 15,000 माइनस 180 152 नेगेटिव 74,350 माइनस 173 74,300 प्लस 173 माइनस 152 टोटल आ जाएगा 95,350 ओपनिंग बताओ जी कितने ओपनिंग 34,500 129,850 चेक करो जी टैली हो गया क्या हाँ टैली हो गया और क्या कैश फ्लो आपकी टैली हो गई फॉर्मेट आप देख लेना मैंने आपको सारे पॉइंट्स गो थ्रू करा दिए मुझे तो लगता नहीं कि बच्चे से कैश फ्लो टैली नहीं हुई होगी चलें आगे कंपनी फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो 20 नंबर के लिए पूछा है इन्होंने कंपनी फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तो डेबिट दो ही चीज़ों के होते हैं एसेट्स और एक्सपेंसेस के क्रेडिट दो ही चीज़ों के होते हैं लायबिलिटीज़ के और इनकम्स के जितनी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में है वो उनकी सिंगल प्लेसमेंट होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक एक पॉइंट पढ़ के ट्रायल बैलेंस में हल्के फुल्के एडजस्टमेंट करके आपको बनाना होता है और शेड्यूल 3 में सिर्फ प्रेजेंटेशन है नोट्स की रेफरेंस है कि आपने पीपी कैसे निकाला है आपने ये वर्किंग कैसे बनाई है तो वो प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं वो प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत कराई है डिट्टो क्वेश्चन आया हो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका मैं आपको 5 में लेके आता हूँ लो जी ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका ये भी 10 मार्क्स का है बेटे किस चीज का क्वेश्चन है ये प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है टेन मार्क्स का क्वेश्चन है और प्री इनकॉर्पोरेशन में हमें सबसे पहले तीन चीज़ें चाहिए होती हैं बिजनेस टेकन ओवर इनकॉर्पोरेशन डेट और बैलेंस शीट डेट हम पढ़ लेते हैं मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटे आपको कंपनी है जी टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ FIG फिग एंटरप्राइजेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2022 बिजनेस टेकन ओवर की डेट है 1st अप्रैल 2022 हाउएवर ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिले कंपनी कुड बी इनकॉर्पोरेटेड लो जी बताओ कंपनी बनी है 1/8 को और बुक्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को तो मुझे एक चीज़ बताओ अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स 8 मंथ्स अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 8 महीने टाइम रेशियो बताओ जी टाइम रेशियो इज 4:8 1:2 अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने प्री में बाकी सब पोस्ट में टाइम रेशियो हमने बना लिया अभी इंफॉर्मेशन आपके पास है ये इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए हमें हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाया क्लास में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में मत्था मारते हैं हमेशा उसके बाद नॉर्मल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं
आप कैश फ्लो करो, सिंगल एंट्री करो, आप जो मर्जी चैप्टर पढ़ो, हमेशा हमने एडिशनल पे मत्था मारा है। आओ मेरे साथ, ये फर्स्ट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन सेल्स की डिटेल बता रहे हैं जी, सेल्स की डिटेल बता रहे फर्स्ट पॉइंट में। फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून ये तो प्री में आते हैं। एवरेज मंथली सेल्स वाज 840, रुपीज में बता रहे, और वो भी मंथली सेल। तो अगर आप क्वेश्चन में बनाना चाहो फर्स्ट वर्किंग नोट, तो क्या आप सेल्स रेशियो नहीं बना सकते? यहाँ लिखेंगे प्री, यहाँ लिखेंगे पोस्ट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब एंड मार्च। सारे बच्चों को पता है ये ABCD का फॉर्मेट नहीं चलता, मंथ के प्रॉपर नेम लिखने पड़ते हैं। अप्रैल APRIL, मई MAY पूरा नाम लिखना पड़ता है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं चलते, ये टाइम बचाने के तरीके हैं। मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, करा नहीं रहा, क्वेश्चन सारे सॉल्व करा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन आपको करना होता है। जिन बच्चों ने पेपर दिया तो उन्होंने सिलेबस कर लिया होगा, सिलेबस कर लिया होगा तो उनको प्रेजेंटेशन भी पता है। आप मुझे बताओ 8.4 सेल्स रेशो दे रखी है अप्रैल टू जून, मैंने लिख दी मंथली सेल, मैं सेल चलो टैली कर लूँगा अपनी। आओ मेरे साथ, 840,000, 840,000, 8,00,000। क्वेश्चन आगे पढ़ना जरा, क्या कहते हैं। फ्रॉम जुलाई टू जैन एवरेज मंथली सेल वाज 9,00,000, जुलाई टू जैन, जुलाई टू जैन, जुलाई टू जैन, जुलाई टू जैन, जनवरी तक आ गए, 9,00,000 रुपए लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आगे कहता है फेब्रवरी से लेके मार्च तक इनकी जो सेल है वो 1575 है, 1575। मैंने क्लास में हमेशा आपको बोला है जब भी आपको मंथली एवरेज के वेट्स अलग अलग मिले, मंथ की लिस्ट बना लिया करो और टोटल लगा दिया करो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये वर्किंग नोट का। हमने ये प्रेजेंटेशन क्लास में कई क्वेश्चंस में किया है, वहाँ पे वेट्स होते थे 1:2, 2:3, 1.5, इसमें सेल्स की अमाउंट बता दी, तो करना क्या, टोटल लगाना है। ये लो 840 × 3 प्लस 9,00,000, तो ये सेल आ गई 34,20,000 की प्री में, इसका लगाओ टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54,00,000 प्लस 1575 प्लस 1575, 85,00,000, 50,000। अच्छा एक बार सेल वेरीफाई करना, 85,50,000, 34,20,000, इसका टोटल कितना बनता है 1,19,70,000। क्या वाकई में क्वेश्चन में इतनी सेल है, क्या क्वेश्चन में वाकई में इतनी सेल है, क्या क्वेश्चन में वाकई में इतनी सेल है? ये राजी, बिल्कुल टैली होगी सेल आपकी, इसका मतलब सेल्स का वर्किंग नोट बिल्कुल ठीक है हमारा। तो हमारी सेल्स रेशियो भी आ गई है, क्या रेशियो आई है सेल्स की, सेल्स की रेशियो बताओ ना, ये क्या आई है 3420, 3420 इंटू 855, ये रेशियो आई है, 3420 855। अगर हम इसको और सिंपलेस्ट करें तो दोनों तीन पे जा रहे हैं, तो ये आ गया 114 285, ये और जा सकते हैं 338 95। ये आ गया जी सेल्स की रेशो, लो जी अभी और जा सकती है, शायद 19 पे कट जाए तो आ गया
ये आ गया 2:5, ये आ गई सेल्स रेशो सर, सेल्स रेशो 2:5, काटा पिटी करके सारी 2:5 आ गई सर। टाइम रेशो इज 1:2, 4:8 थी ना, और सेल्स रेशो आ गई 2:5। और क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट देखो क्या है, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कहते जी बताओ टाइम रेशो क्या है, सेल्स रेशो क्या है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो इसी के होंगे। फिर हमें कहते हैं बताओ जी स्टेटमेंट बनाओ और प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नफा नुकसान निकालो। निकाल देते हैं, अभी आओ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आओ। देयर वॉज अ लोन ऑफ 15 लैक्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, द लोन वॉज रीपेड ऑन 1 सेप्टेम्बर। हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे प्री और पोस्ट का। सबसे पहले मेरे पास है सेल और एक मेरे पास है COGS, और आप चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में लिख सकते हो, या फिर सेल और COGS दोनों अलग अलग सेल्स रेशियो में बांट दो। क्योंकि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में आना है तो ये दोनों चीज़ें भी सेल्स रेशियो में आएंगी, तो बेटर क्या है हम GP निकाल लेते हैं। इसका GP आ जाएगा, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो 55,30,000 आ जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। पहला वर्किंग नोट नंबर क्या था, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो अगर हम SOPL बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्री पोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे रेशो, यहाँ पे लिखेंगे GP 2:5, 2:5, तो ये आ जाएगा 15,80,000, तो ये आ जाएगा 39,50,000, बिल्कुल ठीक है जी। एक करोड़ 19,70,000 में से ये हमने माइनस किया, ठीक है जी। अब इसमें से खर्चे वर्चे माइनस करेंगे, मैं उसके लिए आपको एक दो पॉइंट्स चेक कराता हूँ। ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000, किस चीज़ की बात हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक हमारे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें आपकी अदर इनकम में जाती हैं, है ना। तो पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन में, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचे कब हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं जून में, कहाँ बेचे हैं जून में, अप्रैल मई जून जुलाई ये सारे प्री में आते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर जून में बिकी है तो ये ट्रांजैक्शन प्री की है, तो इन्वेस्टमेंट की इनकम हो या प्रॉफिट हो दोनों प्री में आएंगे। इसके जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची दी तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो सारी इनकम जून तक की होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गए उसके बाद। तो मेरे को ये भी प्री में लिखना है और ये भी प्री में लिखना है, 60,000 40,000, 60,000 40,000, प्री प्री, ये क्या है आप देख लेना, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हमने जून में बेचा है। इस पर एक नोट भी आ जाएगा कि हमने इसको प्री में क्यों लिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को जून में बेचा गया इसलिए जून तक की इनकम प्री में आएगी। क्या हमने ये पॉइंट क्लास में किया नहीं हुआ बेटे, या क्या हमने सेल्स के वेट वाला पॉइंट नहीं किया हुआ, बताओ नया पॉइंट क्या मिला आपको अभी तक, कुछ भी नहीं। फिर इस क्वेश्चन में है, हमारे पास है एक्सपेंसेस, और मैं आपको सबसे पहला एक्सपेंस रीड करवाने वाला हूँ, मैं आपको सबसे पहला एक्सपेंस रीड करवाने वाला हूँ, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन का, कितना इंटरेस्ट है,
62,500, और क्वेश्चन मुझे कह रहा था इनके पास 15 लाख का कोई लोन था, 10% इसका रेट है, सितंबर में इसकी पेमेंट हो गई है, 1 सितंबर को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका मतलब 4 महीने प्री में, 1 महीना पोस्ट में है, रेशो बनेगी 4:1, 1 सितंबर, तो सितंबर तो इंक्लूड होगा नहीं। अच्छा, 15 लाख का 10%, 5 महीने का ब्याज, वेरीफाई करना क्या इतना ही आ रहा है। हाँ जी, इतना ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो 4:1 इसका वर्किंग नोट बनेगा, प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, ब्याज व्याज के नोट्स हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक आधी चीज़ का जगह छोड़ देना, कभी कभार कोई चीज़ आ जाती है, वैसे तो हम टोटल लगा ही देते हैं। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या रेशियो है, 4:1, 50,000 प्री में, 12,500 पोस्ट में, और ये लोन कंपनी का नहीं है, सिंपली एक लोन है, तो लोन किसी के पास भी हो सकता है। टाइम रेशियो, पेमेंट हो गई आपकी 1 सितंबर को, तो पुराना लोन था, अप्रैल में, जून जुलाई तक का ब्याज प्री में और अगस्त का ब्याज पोस्ट में, सिंपल कैलकुलेशन थी। अगर कोई डिबेंचर वगैरह होते तो उसका ब्याज कंपनी बियर करती। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ, तीसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा स्पेस वाज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1 जून टू 31 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा स्पेस कब लिया, 1 जून से लेके 31 अगस्त तक, तो जून प्री में है, ये भी प्री में है, ये भी प्री में, तो कितने महीने, 3 महीने एक्स्ट्रा स्पेस, 3 महीने। बताओ इसका रेंट कितना गया है, 5,000 रुपये पर मंथ गया है जी, तो 5,000 × 3, ये बनते हैं 15 में से 10 तो प्री में आएंगे क्योंकि 2 महीने, 5 पोस्ट में जाएंगे, और जो बाकी का रेंट है वो नॉर्मल है। आप देखो ज़रा पी एंड एल में, ये रहा जी रेंट, 1, 2, 3, हाँ 1,35। अगर 1,35,000 रुपये का रेंट है, इसमें से 15,000 रुपये का रेंट एडिशनल स्पेस का है, तो नॉर्मल रेंट कितना हो गया, 1:20, तो रेंट किस रेशो में, टाइम रेशो में, 4:8 में, तो नॉर्मल रेंट को बांटो आप, प्री पोस्ट 40 इधर आएगा, 80 इधर आएगा, 10 इसमें और जोड़ो, 5 इसमें और जोड़ो एक्स्ट्रा वाला, तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा 85। इसका वर्किंग नोट आपको बनाना आता ही है, प्रेजेंटेशन आपको पता ही है। पहले हम लिखेंगे एडिशनल रेंट 10,000, 5,000, फिर लिखेंगे नॉर्मल रेंट। लो जी, ये हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट बन जाता है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं बेटे, 50 इधर, 85 इधर, रेंट इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा, 50 इधर, 85 इधर। पहले आप एक्स्ट्रा रेंट को बांट लो, एक्स्ट्रा रेंट 3 महीने का है, 2 महीने प्री में, 1 पोस्ट में, और फिर नॉर्मल रेंट को टाइम रेशियो में बांट लो। क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है जी जो ऑडिट फीस है ना, ये कंपनी की है, तो पता ही है ऑडिट फीस कंपनी की होती है, अगर कोई टैक्स ऑडिट फीस होती तो सेल्स रेशियो में बांट लेते, नॉर्मल ऑडिट फीस कंपनी की होती है। बताओ जी ऑडिट फीस कितनी है, ऑडिट फीस कितनी है, 15,000, चलो जी पोस्ट, नेक्स्ट पॉइंट में आओ जी। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको जून में बेचा गया है, पता है जी हमें, सारे इन्वेस्टमेंट जून में बिके हैं, सारा कुछ पता है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 7 में आओ,
डोनेशन डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया? कंपनी ने, कंपनी ने डोनेशन दिया तो कंपनी बियर करे। डोनेशन 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 डोनेशन, ये रही डोनेशन कितनी है, 41,000 की है डोनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, सैलरी ऑफ द सेल्स मैनेजर वाज इंक्रीज्ड बाय 5,000 पर मंथ फ्रॉम 1st of July। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, जुलाई से बढ़िया, जुलाई से कितनी, 5,000। और ये कितने महीने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 5,000, 40,000। मुझे एक बात बताओ, 5,000 की सैलरी प्री में आएगी, 40,000 की सैलरी पोस्ट में आएगी, टोटल कितनी होगी, 45, 45, 45, 45, इसकी सैलरी है कितनी, 81। अगर हम 81 की टोटल सैलरी दें, 45,000 की तो एक्स्ट्रा सैलरी है, तो बाकी कितनी नॉर्मल सैलरी हुई, इसकी नॉर्मल सैलरी हुई 36,000 रुपये की। इसको 1:2 में बांटेंगे टाइम रेशो में, नॉर्मल सैलरी टाइम रेशो, और जो एक्स्ट्रा वाली है वो मंथ के हिसाब से काउंट कर ली हमने, तो ये कितने बनते हैं, 24, नहीं नहीं ये बनते हैं 12, ये बनते हैं 12 और ये बनते हैं 24। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये तो हमने बांटी दी थी 5,000, 40,000 और ये हो गई है 12,000, 24,000, तो 5,000 तो ये रहे, 12,000 ये रहे, 17 और 64, 40 और 24, 64। करना क्या है, टोटली तो मारने हैं बेटे, जो एक्स्ट्रा सैलरी है वो मंथ वाइज काउंट कर लो, बाकी नॉर्मल को नॉर्मल रेशियो में बांट दो। सैलरी का नॉर्मल रेशियो क्या होता है, टाइम रेशियो, तो 17,000 64,000 17,000, ये लो जी, ये हमने सैलरी बांट दी, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनता ही है। पता है ना आपको वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, एक कॉलम प्री में, एक कॉलम पोस्ट में, हम लिखेंगे एक्स्ट्रा सैलरी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 40, 5,000 × 1, 5,000 × 8, फिर हम लिखेंगे नॉर्मल सैलरी 81 − 45 × टाइम रेशो, तो ये 12, ये 24, ये टोटल 17। प्रेजेंटेशन पता है जी, प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा ना बता रहा हूँ आपको, प्रेजेंटेशन क्लास में पता नहीं कितने क्वेश्चंस में किया है, क्वेश्चन में वापसी करो। क्या रह गया, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में वापसी करो, एक पॉइंट रह गया जी, ये रहा, इस पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया बैड डेट्स का। पांचवा पॉइंट पढ़ो प्लीज, बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू ₹17,000 फॉर अ सेल मेड इन November 22। घंटी बज जानी चाहिए कि जो November 22 है ये पोस्ट है, November 22 में कोई सेल हुई थी, वो पैसा डूब गया था, वो रिकवर हो गया। अगर आपकी सेल पोस्ट में हुई है और उसकी रिकवरी आपको हो जाती है, तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड भी आपका पोस्ट का ही माना जाएगा। हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड पुराने ही होते थे, हमेशा प्री में लिखते थे, अगर बच्चे ने डेट नहीं पढ़ी होगी गलती करके आया होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बैड डेट्स रिकवर्ड है वो November 22 की सेल के हैं, तो November 22 की जो सेल है वो पोस्ट में आई होगी, तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी पोस्ट में आएंगे। लेकिन इन्होंने गलती से क्या किया, बैड डेट्स के अंदर सेट ऑफ कर दिया, ये महामूर्खता की, क्योंकि बैड डेट्स के ऊपर लगेगी सेल्स रेशो, तो जो आइटम सेल्स रेशो में बटना है उसमें आप बैड डेट्स रिकवर्ड को कैसे सेट ऑफ कर सकते हो, गलत किया ना काम। तो हम क्या करते हैं, क्लास में किया हुआ पॉइंट है,
सेल्स मैनेजर की सैलरी बांट दी, डोनेशन भी बांट दिए, ये बैड डेट्स में आओ, बैड डेट्स में हम पहले इसमें 17,000 रुपये ऐड बैक करेंगे, इसको 84 बनाएंगे और इस पे लगाएंगे सेल्स रेशो। बैड डेट्स बढ़ते हैं सेल्स रेशो में, कहाँ से सेट ऑफ कर दिया, ये तो पोस्ट में जाना है, पोस्ट का आइटम एक ऐसे आइटम में सेट ऑफ कर दिया जो सेल्स रेशो में बढ़ना है, गलत काम करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो पहले 84 को लेके जाओ, यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स रेशो 2:5, (67,000 + 17,000 / 7×2) 24,000, 60,000। ये था तो 67, इसमें ऐड बैक कर दिया 17,000 और यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, ये पोस्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट की सेल से रिलेटेड है। नवंबर 22 में माल बेचा था, वो डूबा था, तो रिकवरी भी पोस्ट से रिलेटेड ही मानी जाएगी। अब क्या रह गया, क्वेश्चन खत्म है ये आपका। ये लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो, और क्या रह गया, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में जाएगा, अंडरराइटिंग होती है किसकी, शेयर डिबेंचर की, पोस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, अंडरराइटिंग कमीशन, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये तो पोस्ट में जाएगा। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये टाइम रेशो में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, इस सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस है, ये टाइम रेशो में जाएंगे 18,537,000। लो जी लगाओ टोटल 1580 + 60,000 + 40,000 39,50 = 17,000। टोटल वगैरह आप देख लेना बेटे, ठीक है जी। अब खर्चों का टोटल मारो, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 प्लस रेंट ये भी 50,000 प्लस 17,000 प्लस 24,000 प्लस 29,000 प्लस 23,400 प्लस 18,500 टोटल आप देख लेना बेटे जो भी आएंगे, मैंने आइटम सारे समझा दिए। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और भी है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन हाउ दीज प्रॉफिट्स लॉसेस वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल रिजर्व में दिखेगा और पोस्ट वाला नेट प्रॉफिट दिखेगा, अगर प्री में लॉस आता है तो वो गुडविल की तरह दिखेगा। इस पर एक नोट लिख के आना था बस, मैंने सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर दिए हैं, टोटल वोटल आप देख लेना बेटे। कैश फ्लो का क्वेश्चन हो, प्री इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन हो, पॉइंट कुछ नहीं है। अगर आप टाइम की बात करो तो टाइम टेकिंग है, पेपर लेंदी था जी, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, पेपर लेंदी था, मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में आ रहा हूं बेटे,
ये क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट है। 5 नंबर के लिए आया, किस चीज़ का? ये पूछा गया स्टॉक के लिए, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है। 24 जुलाई को आग लगी है, 24 जुलाई 2022 को आग लगी है इन द प्रीमाइसिस ऑफ दिस कंपनी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, सब जल गया। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक साल्वेज्ड 51,200, 51,200 का तो साल्वेज बता रहे हैं, एक बता रहे हैं इन एडिशन। सम स्टॉक वाज साल्वेज्ड इन अ डैमेज्ड कंडीशन, कुछ माल बचाया लेकिन वो जला वाला माल है और उसकी वैल्यू बता रहे हैं 30,540। कुछ माल तो बिल्कुल ही साफ सुथरा निकल आया और कुछ डैमेज्ड कंडीशन में आया। तो अगर हम साल्वेज की बात करें तो टोटल साल्वेज आ गए इतना। ये साल्वेज गुड्स हैं आपके, ये बाद में देखेंगे। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं 31 मार्च 2022 का 183,500। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक मैंने बनाया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं ये भी बताया हुआ आपको। 1/4/22 से लेके 24 जुलाई 22 तक का है, ओपनिंग स्टॉक है 183,500, रफ में बना के दे रहा हूँ सर। फिर बता रहे हैं परचेजेस, 1/4 से लेके 24 जुलाई तक की जो परचेजेज हैं 31,12,000 की हैं और एक कमीशन दिए 2% इनको परचेज पे। जितने भी एक्सपेंसेस परचेज पे होते हैं वो सब परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। AS2 आपने पढ़ा हुआ है। 31,12,000 का माल, 31,12,000 का गुड्स खरीदे हुए, लेकिन इसमें 2% ऐड करो तो मैं इसमें जो परचेज लिखूंगा वो होगा 3,174,240 इंक्लूडिंग कमीशन ऑन परचेज। परचेज करने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब परचेज की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। AS2 सबने पढ़ा हुआ है। कैरिज इनबोर्ड है, लोडिंग अनलोडिंग है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, एनी अदर एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2। मैंने कमीशन को जोड़ दिया। बताओ जी सेल कितनी हुई है? सेल 37,00,000, ये सेल की फिगर आ गई। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी इट अपीयर्स दैट ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। बताओ सेल पे 20% प्रॉफिट है, GP 20% किस पे? सेल्स पे। इसका 20% अगर प्रॉफिट है तो 750,800। बताओ जी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर मुझे तो कुछ लग नहीं रहा बेटे इसमें, 354,540। प्लस 317,4,240 प्लस 750,800 प्लस माइनस 37,54। ठीक है जी, 354,540 माइनस करेंगे साल्वेज कितना आया था 81,740। डैमेज गुड्स कितने आ गए? ये डैमेज गुड्स आ गए, ये क्लोजिंग स्टॉक है। इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है? 3,00,000 का इंश्योरेंस है जी, 3,00,000 का इंश्योरेंस है। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये रहा जी, इंश्योरेंस कम है, एवरेज क्लॉज लगेगा। विदाउट एवरेज क्लॉज, हाँ लिखा हुआ है, नहीं सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, ठीक है। तो इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू डैमेज गुड्स, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? 5 नंबर गिफ्ट में आपके लिए। ये बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा सर कमीशन का क्या करना है? अरे सेल का जो कमीशन होता है वो P&L में जाता है, वो सेलिंग एक्सपेंस है, पर परचेज के ऊपर अगर आप कमीशन दोगे वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। AS2 नहीं पढ़ा क्या?
अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, 5 का सी पार्ट, ये भी 5 नंबर का है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है। आपको रेट बताने होते हैं, ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट, परचेजेस पे एवरेज रेट, सेल्स पे एवरेज रेट, ये इक्वल टू जीएसटी भी। ब्रांच के लिए जीएफएच है, एचओ के लिए तो आपका जीएसटी भी होगा। एचओ का खाता खोलेंगे, लेजर खोलेंगे, जीएसटी भी उठा लेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखी होती है। सैलरीज एवरेज रेट, ये इक्वल टू ब्रांच अकाउंट इन एचओ बुक्स। ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट है तो एचओ के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है। ब्रांच की बुक्स फॉरेन करेंसी में, एचओ की तो इंडियन करेंसी में होती है, वहाँ से उठा लेते हैं, ये भी गिवन होता है। एक तो जीएसटीबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एक ये वाला बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, एज इट इज़ उठा के यहाँ पेस्ट करना होता है। क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे क्लोजिंग रेट लगाते हैं। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। हाँ नीफो का क्वेश्चन तो नहीं है ना, ना बस इतनी सी बात है, हो गया क्वेश्चन खत्म। और ये देखो अगर आप देखें तो जीएसटी भी दे रखा है, एचओ का बैलेंस दे रखा है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 500 सैलरी में जाके जुड़ जाएगी, सैलरी पे एवरेज लगा देना, इस पे क्लोजिंग लगा देना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी करंट लायबिलिटी होती है, क्लोजिंग रेट पे आ जाती है। ये ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करके जय श्री राम बोल के क्वेश्चन ख़त्म कर। बच्चों वाला क्वेश्चन है जनाब, बच्चों वाला क्वेश्चन है जनाब, कुछ होगा तो बताऊंगा मैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाना है उसमें सारे एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करने हैं। कितने एडजस्टमेंट है? 3, एक तो जीएसटी भी, एक अपना वो बैलेंस एचओ ब्रांच का, और एक सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में सैलरी जोड़ देनी है। कितनी सैलरी है? 4,000 है, इसमें 500 जोड़ देंगे, ये 4,500 हो जाएगी, इस पर एवरेज लगा देंगे, इसमें एक नई हेडिंग आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, उस पर क्लोजिंग। ये कोई पहली बार थोड़ा ना कर रहे हैं सर, अरे सर पता नहीं कब के क्या क्या किया हमने। कन्वर्जन याद है ना, इफो का अलग होता है और नीफो का अलग होता है। आपको मैंने फॉरेन ब्रांच के दो टाइप्स बताए थे, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, इफो नीफो। इफो का क्या रूल होता है? फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल रेट, करंट एसेट्स क्लोजिंग रेट, करंट लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट, लोन्स क्लोजिंग रेट, एचओ नो कन्वर्जन, ऑल इनकम्स ऑल एक्सपेंसेस एवरेज, एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, डेप्रिसिएशन एक्चुअल रेट। कितनी सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। डिफरेंस आता है तो एक्सचेंज गेन एक्सचेंज लॉस, लेकिन जब क्वेश्चन निफो का हो जाता है सारे रूल सेम रहते हैं, लेकिन आपका फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग रेट पे आ जाता है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग रेट पे आ जाता है, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस FCTR बन जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लिक करनी चाहिए, हमने पढ़ी हुई है सर, बहुत प्यार से बहुत टाइम लगा के पढ़ाई थी आपको। हर इस पे 12 लेक्चर दे दिए जी, इस पे 15 लेक्चर दे दिए जी, आपके सामने है, सब पेपर में काम आता है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 के 3 पार्ट थे, 10 नंबर का क्वेश्चन प्री में से आया, 5 नंबर का वो स्टॉक वाला आया, और 5 नंबर का ये ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना था रेट वेट लगा के। फिर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इसका ए पार्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में से पूछा गया, अकाउंटिंग पॉलिसी में से बेटे, ये इन्होंने पूछा अकाउंटिंग पॉलिसी में से। और AS1 किस चीज के ऊपर है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पे है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पे है, और इन्होंने जो हरकतें की हैं वो आपको बतानी है कि सही की कि गलत की। देखो आप, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये,
डिग 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 AS1 के हिसाब से बताना है आपको। नंबर वन, कोई कंपनी है जी बी लिमिटेड हैज़ नॉट कंपाइल्ड विद AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड द सेम इज़ डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर नॉन कंप्लायंस विद द लॉजिक। कर लो बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को फॉलो नहीं किया, AS2 की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को फॉलो नहीं किया, इन्वेंट्री मतलब गलत वैल्यू की, और नोट्स में लिख दिया कि हम AS2 को फॉलो नहीं कर रहे, कहते हमारी तरफ से ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो गया। गलत बात है। अगर आप किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते तो फिर आप अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे फॉलो कर रहे हैं आप बताओ। AS2 नेचर में मैंडेटरी है। सिर्फ आप इतनी बात से कि हम AS फॉलो नहीं कर रहे, हमने लिख दिया कि हम नहीं फॉलो कर रहे, कहते बस हो गया काम, हमने ईमानदारी से बता दिया हम AS फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो AS1 ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जो वैल्यूएशन पॉलिसी है दैट इज़ मैंडेटरी टू बी अप्लाइड, तो इनको अप्लाई करनी पड़ेगी और इस तरह से डिस्क्लोजर देके काम नहीं चलेगा। सिंगल लाइन आंसर था इसके ऊपर, द डिस्क्लोजर विच इज गिवन बाय द कंपनी इज नॉट करेक्ट बिकॉज द अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज स्पेसिफाइड इन AS2 इज टू बी अप्लाइड बिकॉज AS2 इज मैंडेटरी इन नेचर। सो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कंप्लाइज इज नॉट अ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आप इस बात को लिख रहे हैं जी हमने ये काम गलत किया है, और अपनी गलती मान लेना, अपनी गलती को पब्लिकली अनाउंस कर देना, ये सही हो गया, गलत बात है। ये AS1 के हिसाब से पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा। 2 में क्या किया इन्होंने, इन्होंने जी एक बिल्डिंग बेची थी 10 लाख रुपए में, बिल्डिंग बेच दी 1 मार्च को बेची है, बायर ने आपको सारा पैसा दे दिया और बिल्डिंग का पोजेशन भी ले लिया, पैसा आ गया, बिल्डिंग आपने हैंडओवर कर दी, कंट्रोल चला गया। जो बुक वैल्यू है बिल्डिंग की वो 4 लाख है, 4 लाख की बिल्डिंग 10 लाख में बिक रही है, 6 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है मुझे। 31 मार्च को क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पेंडिंग है, लो कर लो बात, ऑनरशिप ही ट्रांसफ़र नहीं हुई और कंपनी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द डिस्पोजल एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज शोन एज एन एडवांस। तो अगर हम इसमें बात करें सेकंड पॉइंट में तो इसमें आप लगा सकते हैं प्रूडेंस, और प्रूडेंस ये कहता है कि ट्रांजैक्शन का रियलिटी चेक होना चाहिए। जैसे आप एसेट्स को हायर परचेज पे लाते हैं तो हायर परचेज पे कौन सा आपके नाम पे चीज़ हो जाती है और आपको ऑनरशिप मिल जाती है, आप किस्तें देते रहते हैं, जब बैलेंस क्लियर हो जाता है तब आपको ऑनरशिप मिल जाती है। गाड़ी मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में है, ऑनरशिप नहीं मिलती जब तक मैं पेमेंट क्लियर नहीं करता, तो मैं तो एसेट को फिर भी रिकॉर्ड करता ही हूँ, ये वही काम है। तो एंटिटी ने गलत किया यहाँ पे, 10 लाख की एसेट, 4 लाख की एसेट 10 लाख में बेची है, 6 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, एडवांस बुक नहीं करना चाहिए। और हम यहाँ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस द रियलिटी चेक ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी मेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी द कंपनी शुड बुक सेल ऑफ एसेट, शुड नॉट बुक एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, एंड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 6 लाख रुपीज शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो प्रूडेंस के हिसाब से जैसे हायर परचेज में करते हैं, ऑनरशिप तो उसमें भी नहीं आती तो इसमें भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पर आपने पैसे ले लिए, एसेट दे दिए, तो आपकी मंशा क्या है, आपने बेच दिए, पेपर वेपर करा देंगे, कोई बात नहीं, आप सेल की एंट्री डाल सकते हो। प्रूडेंस यही कहते हैं, AS1 में आपको प्रूडेंस पढ़ाया, वो हायर परचेज का एग्जाम्पल वहाँ पर भी देता हूँ। यहाँ पर कंपनी गलत है, यहाँ पर भी कंपनी गलत है, गलत काम करके पब्लिकली अनाउंस करना बिल्कुल गलत है, सेल रिकॉर्ड ना करना प्रूडेंस का वायलेशन है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं कैश बेसिस पे और सेम इज़ नॉट डिस्क्लोज, ये भी गलत है। क्यों, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में एक अजम्पशन होती है एक्रूवल, कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकते हम, एक्रूवल फॉलो करना पड़ता है हमें, और अगर कैश बेसिस पे फॉलो करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो कैश बेसिस कब फॉलो करते हैं, जब हमारी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन फेल हो जाती है। अगर अगले साल आपको धंधा बंद करना है तो कैश पे आ जाओ, और अगर बिजनेस चलाना है तो फिर एक्रूवल पे चलते रहो। तो अगर इन्होंने कैश बेसिस को फॉलो किया और डिस्क्लोज नहीं किया तो गलत किया, इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए था।
कि जी हम एक्रूवल को फॉलो नहीं कर रहे, हम कैश को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लगता है बिजनेस नेक्स्ट ईयर क्लोज हो जाएगा। और वैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न और एक्रूवल, आने वाले टाइम में बिजनेस चलेगा और एक्रूवल बेसिस पे चलाएंगे, सेल का पैसा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आ जाएगा, हम कौन सा बिजनेस छोड़ के भागे जा रहे हैं। तो इसका भी आपको लिखना था AS-1 के हिसाब से कि कंपनी शुड फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज वी फॉलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इफ कंपनी इज फॉलोइंग कैश बेसिस द डिस्क्लोजर शुड बी गिवन, शुड हैव बीन गिवन। ये पॉइंट देना था आपको। चौथे में देखो क्या कह रहे हैं, कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ किए हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, ये भी गलत। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब AS इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, PPE की अकाउंटिंग, इनटेंजिबल की अकाउंटिंग, तो वो डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं लिखना होता, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये चार चीज़ें बनती हैं आपके फाइनल अकाउंट में, तो नोट्स में लिखना होता है। तो इसमें लिखना था कि डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं लिखना था, ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना था एज ए पार्ट ऑफ मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्टर रिपोर्ट कौन पढ़ता है जी, ये चारों काम कंपनी ने गलत कर रखे हैं। AS-1 का क्वेश्चन आ गया, लो जी ये इसका बी पार्ट है। आपको कैश प्राइस निकालना था, 8% पर एनम है तो 4% हाफ ईयरली हो जाएगा, 4% हाफ ईयरली। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपये के, और 1/4 23 से शुरू करने हैं, और 1/10 को इन्होंने वर्किंग कोई मशीन करी थी। करना क्या है, उल्टा घुमाना है, 50,000 इंटू 100/104, 1/1+R, फिर ये कैश प्राइस 1 आ जाएगा, कैश प्राइस 1 प्लस फिर 50,000, 100/104, ये कैश प्राइस 2 आ जाए। ये तो रिवर्स ही करना है जी, कैश प्राइस ही तो निकालना है, कितने फ्री का नंबर है जी, फ्री के, एक ब्याज निकालना है, एक कैश प्राइस निकालना है, फ्री के नंबर है ये, फ्री के। अगर AS-1 वाला क्वेश्चन बच्चा छोड़ भी आएगा, 4 में से 2 पॉइंट कराया, 2 छोड़ाया, ये तो गिफ्टेड है, ये तो कैश प्राइस की कैलकुलेशन देखते खुश हो जाता बच्चा कि 8% पर एनम है, 4% लेके बनाना है, हाफ ईयरली क्वेश्चन है। ये डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, इसमें एंट्रीज वेंट्रीज डालनी है डिबेंचर्स की, रिडम्पशन की। बताओ डिबेंचर्स कितने के हैं, 75,000 डिबेंचर हैं, 100 का 1 है तो 75 लाख के हो गए। हाँ 75 लाख के हो गए। कब इशू किए थे इन्होंने, 1/4/18 को इशू किए हैं, 9% रेट है इसका, प्रीमियम देना है 5%। सारी बात समझ में आ रही है, 75 लाख के डिबेंचर हैं, 5% प्रीमियम देना है, 9% ब्याज देना है। जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीमेबल हैं कब, 10% प्रीमियम पे हैं, 31 मार्च 23 को कर लो बात, 31 मार्च 2023। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है एज़ पर लॉ एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है 30/4 को, और उस पर 8% ब्याज आएगा। अब मुझे बताओ DRR तो बनाते हैं हम 10%, और DRI कितना होता है, 15%। तो आपको करना क्या है, एक एंट्री तो पहले FD में दिखानी है, 30/4 को एक एंट्री मारनी है आपने, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट FD डेबिट टू बैंक, इस पे 11 महीने का हम ब्याज ले लेंगे। कितने महीने का ब्याज, 11 महीने का ब्याज ले लेंगे। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 75 लाख, और DRI कितना होता है, 15%। तो मान लो 75 लाख के डिबेंचर आपको चुकाने हैं, तो 11/25 की आपने FD करा दी, 31 मार्च को क्या करेंगे, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 75 लाख के डिबेंचर चुकाने, 7.5 लाख का प्रीमियम देना है, 82,50,000 देने हैं। फिर 31 मार्च को लिखेंगे FD डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, FD का ब्याज कितना है, 8% है जी, तो 11/25 इंटू 8% 82,500। बैंक अकाउंट डेबिट
टू एफ डी, 11.25 की एफ डी है और उस पर हमें ब्याज मिलेगा ये रहा 82,500, पैसे वैसे आ जाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक कर देंगे, कहानी ख़त्म। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एंट्रीज डालना जी ज़रा। एक आपको एफडी करानी है 15% करनी होती है फेस वैल्यू का, फिर डिबेंचर ड्यू करने हैं, ब्याज लेना है 11 महीने का, डिबेंचर्स की अमाउंट ड्यू करनी है, डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, और डिबेंचर्स का ब्याज भी दे सकते हो आप 9%, 75 लाख का 9% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री मार सकते हो। ये एंट्रीज डालनी है आपने, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, बताओ 5-7 एंट्री है। ये कैश प्राइस वाला क्वेश्चन, डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन, ये तो आसान है। फिर इसमें डी पार्ट पूछा गया, ये देखो डी पार्ट, ये तो मेरा क्लास में कराया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन एएस एक चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा चैप्टर है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने स्टडी मटेरियल से कराया था, वीडियोज़ में, मैं नोट्स वोट्स नहीं देता, डायरेक्टली स्टडी मैट से कराता हूँ। उसमें मैंने आपको कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट कराया था, ये वही क्वेश्चन है, स्टडी मैट का डिट्टो क्वेश्चन, ये आपको क्लास वर्क से देखना पड़ेगा, आपकी कॉपी खोलो, ये सारा किया हुआ है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, करंट परचेजिंग पावर, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये आपकी कॉपी में किया हुआ, खोल के देखो आप कॉपी अपनी, ये तो स्टडी मैट से आया क्वेश्चन सर। और एक क्वेश्चन आया लास्ट वाला बोनस से, ये बोनस इश्यू का क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टली पेड अप शेयर को बोनस कॉल के द्वारा फुली पेड अप बनाया गया। मान लो मेरे पास ये 1.5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, फुली पेड अप है, और एक मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है और 6 पेड अप है। तो क्वेश्चन कहता है इस जो 6 वाले को 10 बना लो, नहीं समझे, 6 रुपये पेड अप को 10 रुपये पेड अप बना लो, तो 4 रुपये की आपने बोनस कॉल दे दी। और ये वही क्वेश्चन है जिसमें सेम रेशो, मून लाल वाला क्वेश्चन खोलो, उसमें सेम रेशो का मतलब बताया था, सेम अमाउंट नहीं सेम रेशो, आपने 4 रुपये का बेनिफिट 6 रुपये के पेड अप को दे दिया, जिन लोगों ने 6 रुपये पेड अप दे रखे थे 4 रुपये का बेनिफिट दे दिया, तो जिन लोगों ने आपको 10 रुपये दे रखे हैं उनको आप कितना बेनिफिट देंगे, 4 रुपये का बेनिफिट 6 के लिए तो 10 के लिए कितना, 6.67, मतलब 2/3। और अगर आपके पास 1.5 लाख शेयर्स हैं, इसका 2/3 करना ज़रा, कितने शेयर्स हैं, 21 लाख, मेरे पास स्क्रीन साफ नहीं आ रही, एक सेकंड रुके ज़रा, 21 लाख शेयर हैं, 21 लाख, मेरे पास 21 लाख शेयर्स हैं, इसमें से 15 लाख शेयर 10 रुपये वाले हैं और जो ये बनते हैं 21 लाख रुपए हैं सर, और 1.5 लाख 15 लाख रुपए की कैपिटल तो ये है, 1 लाख इंटू 6 लाख की कैपिटल ये है, बिल्कुल ठीक है, इसको फुली पेड अप कर दिया तो 4 का बेनिफिट दिया, 4/6 हो गया। जिन लोगों ने 6 रुपये दिए हैं उनको 4 रुपये का बेनिफिट दे रहे हो, तो जिन लोगों ने 10 रुपये दिए हैं उनको कितना बेनिफिट, तो 4/6 × 10, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये जो 1.5 लाख शेयर हैं इस पे 2/3 लगा दो, आपके बोनस शेयर आ जाएंगे। सेम रेशियो वाला क्वेश्चन था जनाब, और इसमें लिखा हुआ फ्री रिजर्व का मिनिमम टू मिनिमम यूज़ करो, तो पहली बात आपको याद होनी चाहिए, बोनस कॉल के अंदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR यूज़ नहीं कर सकते, बोनस कॉल के अंदर तो आपको फ्री रिजर्व यूज़ करने ही पड़ेंगे, P&L और GR, और जो बोनस शेयर हैं वो CRR प्रीमियम और आपका GR और P&L में से दे सकते हैं। बात आती है कैपिटल रिजर्व की, कैपिटल रिजर्व को
अगर मैं क्लास बुक के हिसाब से बात करूँ, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास बुक में कैपिटल रिजर्व पे, उसमें एक अजम्पशन लिखने के लिए बोला था कि अगर आप ये मान लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर वैलिड है, अजम्पशंस के हिसाब से होते हैं। तो सेम रेशियो वाला क्वेश्चन था जी इसमें, ठीक है, बात इतनी बात थी बेटे इसमें, और क्या है, कुछ भी नहीं। तो 15 लाख, 1.5 लाख शेयर्स पे आपको, 1.5 लाख शेयर्स पे आपको बोनस शेयर देने हैं, और जो 1 लाख शेयर है उस पर बोनस कॉल देनी है, बोनस कॉल 6 का शेयर 10 का कर दिया, 4 रुपये का बेनिफिट। तो जिन लोगों ने आपको 6 रुपये दिए उनको 4 रुपये का बेनिफिट, जिन्होंने 10 दिए उनको कितना, ये वर्किंग आपको बनानी थी। सेम रेशो, 2/3, 2/3 हो गया जी क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, क्लास बुक खोलना, मून एंड लाल वाला क्वेश्चन है, उसमें हमने 8 रुपये के शेयर को 10 रुपये किया था, 2 रुपये का बेनिफिट दिया था, इसमें 6 रुपये वाला शेयर 10 रुपये का हो रहा है, 4 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है जी, सारा पेपर चेक करा दिया, अब तसल्ली हो गई, सर पेपर का रिव्यू दे दो, पेपर का रिव्यू, मैंने सारा पेपर आपको चेक करा दिया जी आपका। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जो होना था वो हो गया, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो पार्टी करें, जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनको लगता है कि पेपर में शायद नंबर ना आए, अपनी तैयारी शुरू कर लो अभी, टाइम मत किल करना। और एक और बात, पेपर में चमत्कार नहीं होते, कि क्या पता किस्मत काम कर जाए ना, ऐसा कुछ नहीं, जो आप लिख के आए हैं नंबर उतने मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट टू अ सिंगल कंडीशन, आपका पेपर कोई गदा प्रसाद चेक ना करे, कोई गदा प्रसाद अगर मिल गया वो कई बार नुकसान कर देता बच्चे का, अदरवाइज जो आप लिख के आते हैं नंबर उसी हिसाब से आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।